पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए, समुद्र मंथन कैसे हुआ। सुखदेव जी बताते हैं कि एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, सामने दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, दोनों का मिलना होता है। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में एक माला पहनी थी, वो माला उतार कर इंद्र को पहनाई। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। इंद्र ने कुछ दूर जाते ही वो माला गले से उतारी और हाथी के सूंड पर फेंक दी। हाथी के सूंड से वो जमीन पर गिरती है, हाथी उसको कुचलते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद दुर्वासा ऋषि वापस आ रहे हैं इस रास्ते से, उन्होंने अपनी माला पहचान ली। उन्होंने वहीं खड़े खड़े किया कि जिस तीन लोग 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, क्योंकि तीन लोग 14 भुवन के सिंहासन पर भगवान ने इंद्र को बैठाया है। पद प्रतिष्ठा ये मिलने के बाद तो व्यक्ति एक बार के लिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है, बिरले ही होते जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि जिस तीन लोग 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है, मैं श्राप देता हूं, वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब ये पता चलता है शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। उन्होंने दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो। दैत्यों ने आक्रमण किया, तीन लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। अब सब भगवान के पास गए। भगवान कहे युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, क्या करे। बोले समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो, अमृत निकलेगा, अमृत दोनों को चाहिए। और दैत्यों को पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते हैं, ना अकेले दैत्य कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा, वो भी मान जाते हैं। अब मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब देखिए भगवान जो दैत्य है वो सब बहुत शक्तिशाली है, शक्ति बहुत है उनमें, बुद्धि नहीं, मूर्ख है। भगवान शक्तिशाली के साथ साथ बुद्धिमान है, उनको पता है कब बल का प्रयोग करना है और कब बुद्धि का प्रयोग करना है। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना, क्योंकि नाग है ना, तो एक तरफ मुख होगा, एक तरफ पूंछ होगी और एक एक जगह खड़े रहना पड़ेगा। तो भगवान कहते जिद करना कि तुम्हें नाग के मुख की ओर खड़े रहना है। देवता ने कहा ठीक है। अब जैसा मैंने कहा दैत्य मूर्ख है, तो दैत्य कहे ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो वो कहे अभी हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते बात तो सही है, राजा तो यही है, ठीक है हम पीछे चले जाते हैं। अब मंथन आरंभ किया जाता है। पहले नाग को जैसे ही मंथन शुरू करे, पहले तो वो पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार, और अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत को रखते हैं। अब जैसे ही नाग को खींचा गया, सबसे पहले उसके मुख से विष निकला, इसीलिए भगवान ने लीला करी थी। वहां देवता खड़े होते तो देवता मर जाते, तो सबसे पहले विष निकला, तो सामने के कितने दैत्य वहीं मारे गए, बाकी सब पीछे हट गए। अब विष बच गया, समुद्र में वापस नहीं जा सकता। तो भगवान कहते महादेव जी के पास जाओ, उनको बोलो ग्रहण करने, वो मान गए। तब पार्वती माता सकुचाती है, हिचकिचाती है, वो कहे ये देवता बड़े चालाक है, खुद अमृत ग्रहण कर रहे हैं, आपको विष दे रहे हैं। भोले बाबा ने कहा क्या बात, जग कल्याण में कुछ हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। माता ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। माता ने कहा आपके पूरे शरीर में मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ रहती हूँ। बोले आप मेरे हृदय में रहती हो। बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा। बोले उतरेगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। भोले बाबा कहते नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा। और उन्होंने विष ग्रहण किया, पर उस विष को गले पर ही रोक लिया, तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग भोले बाबा का नाम लेकर नशा करते हैं कि उन्होंने भी तो किया, तो थोड़ा ये भी करके दिखाइए, थोड़ा विष भी लेकर दिखाइए। अगर आपने विष पचा लिया तब जो मन में आए करो,
और अगर नहीं पचाया तो फिर कोई और चीज भी भगवान की बराबरी करके मत करना, भगवान की बराबरी मत करिए। और फिर करो तो हर चीज में करो, पर जैसा मैंने कहा कि वहां करे तो विश में भी करना, अपने हिसाब से चीजें मत चुनो कि जो आपको सही लगता है वो चुन लिया ये कहकर भगवान ने भी तो किया, और जो कठिन लगता है वो ये कहकर छोड़ दिया कि वो तो भगवान है। मनुष्य बड़ा चालाक है, अपने हिसाब से पार्टी बदलता है। तो बराबरी करनी है तो पूरी कर लो, और पूरी नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी मत करो। तो यहां महादेव जी विष ग्रहण करते हैं, मंथन फिर किया जाता है, बहुत चीजें निकली, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, लक्ष्मी माता निकलती है हाथ में वरमाला लिए हुए, विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है, तब से भगवान का नाम हुआ लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अमृत निकलता है, अब अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगे, तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया, मोहिनी अवतार। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, अब दैत्य कामी है, सुंदरता देखकर भूल गए सब कुछ, भगवान के पीछे 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 जाने लगे, अमृत भूल गए। भगवान ने यहां पर दैत्यों को मदिरा पिला दिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अच्छा, एक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, राहु नामक दैत्य, वो छिपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया, भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहां पर देवताओं के पास तीन लोग 14 भुवन, वो युद्ध करते हैं, वापस ले लेते हैं,